यहां 54 करोड़ रुपए दिया, 54 करोड़ रुपए दिया नशीलियां दवाइया सने 15 मुलजम गिरफ्तार कर ले गए ने। भाजपा आगू के किराएदार की पुछ पड़ताल तो बाद खुलासा होया, मेरठ च छापेमारी की गई तो दवाइया का जखीरा बरामद किया गया। आने वाले दिनों होर भी खुलासे होंगे पुलिस कमिश्नर वालों, यह भी दावा किया गया। एक बार मुड़ तो दस दईए लंघे दिन भाजपा आगू के किराएदार की कोलों नशे के समान की बरामदगी मगरों, उस तो बाद पुलिस ने पूछ पड़ताल शुरू की, भाजपा आगू के किराएदार की पूछगिछ तो बाद वड्डा खुलासा होया। मेरठ च छापेमारी करके दवाइया का वड्डा जखीरा बरामद किया गया, तस्वीर भी विखाई दे रही ने। 54 करोड़ रुपए दियां नशीलियां दवाइया सने 15 मुलजम काबू कर ले गए ने। अनूप लुधियाने के वक् वक् बंदियां नूं गोलियां सप्लाई करता सी, जिहड़े जिहड़े बंदियां नूं भी गोलियां सप्लाई करता सी उन्हां ते भी असीं इमीडिएटली रेड की, उन्हां दे रंगे हाथ ही उन्हां तों गोलियां नशे दियां बरामद हुई। इन्हां दी जिहड़ी ड्रग्स टोटल हुण तक जिहड़ी बरामद हुई हैं उन्हां दी जिहड़ी मार्केट वैल्यू है वह 54 करोड़ रुपए की है। बरामदगी हुण तक यह हुई है। ये गैंग है, यह मेरठ इन्हां दा अड्डा सी, मेरठ ये स्टोर करके यह पंजाब दे विच ये नशे की खेप कर रहे थे। जिहड़े प्रेमिसिस तो सानू पहला गोलियां मिली सीगियां 1 मार्च नू, वह प्रेमिसिस एक पॉलिटिकल बंदे दा सी, उहदे फैमिली दे नाते रजिस्टर्ड सी, उत्थे इन्होंने किराए ते लिया होया सी। उसनू असी इन्वेस्टिगेशन दे दौरान सारा चैक कर रहे हैं, ते जे किसी दी भी कोई शमूलियत पाई गई उहदे खिलाफ असी एक्शन लवांगे। लुधियाना पुलिस वालों नशे के वड्डे रैकेट का पर्दाफाश किया गया। खबर के होर अपडेट लिए फिलहाल सीधा रुक करांगे, साडे नाल साडे सहयोगी लुधियाना तो विनय इस वेले साडे नाल जुड़ रहे हैं। विनय, पूरे मामले बारे तस्वीर जो निकल के सामने आई, वाकई ची है वड्डा रैकेट, वड्डे रैकेट का पर्दाफाश होया, पर होर इस मामले दे विच की तफतीश की जा रही है कि वाकई ची कोई होर सियासी तार भी इस पूरे मामले दे विच जुड़दे विखाई दे रहे हैं? जी अमित, ये जिहड़ा मामला सामने आया है लुधियाना पुलिस नूं बहुत वड्डी जिहड़ी सफलता इच मिली है, जिहड़ियां करीब 65-60 लाख बंदां नूं मेडिकल नशे दीआं गोलियां इंजैक्शन बरामद होए है। इत्थे ये दस दईए ये जिहड़ा सारा मामला है ये उत्थों शुरू होया सी जदों लुधियाने के छौनी महल्ले दे विच बीते कुछ दिन पहले जो बीजेपी नेता सतीश नागर उन्हां दे उत्ते रेड पई सी, उन्हां ने उस टाइम पुलिस ने बकायदा सतीश नागर नूं वी इस मामले दे विच नामजद कीता सी FIR दे विच, और उस तों बाद जिहड़ा उन्हां दा मकान सी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट दी मौजूदगी दे विच खुलवा के उत्थों नशीलियां 1,29,000 नशीलियां गोलियां बरामद हुई थी। और उस तो बाद पुलिस ने फिलहाल जो जिहड़े बंदे उत्थे फड़े गए थे जिहड़े बंदे दे नाल पुलिस ने जांच की सब कुछ किया, उस तो बाद पुलिस इस रैकेट तक पहुंची और लुधियाने के 3 थानों की फोर्स वड्डे अफसर ने उन्होंने मेरठ के जाके यह सारा जो नशीले दवाइया का जखीरा यह बरामद किया है। हम पुलिस की जी इस सब तो वही चीज यह है कि पुलिस ने जिहड़े बीजेपी नेता सतीश नागर ने इस मामले में नामजद किया, और उस तो बाद जो सतीश नागर की वाइफ है उन्होंने भी एक पर्चा दर्ज होया कि इन्होंने जो मकान है किराए से दिता हुआ और उस किराए का भी वेरीफिकेशन नहीं कराई गई थी। पुलिस हुण जिहड़े आ बंदे जिन्हां नूं भी हुण टोटल 15 बंदे हुण इस मामले हुण तक फड़े जा चुके हैं, पर हाले तक फिलहाल जो कि बीजेपी नेता जिन्हां नूं मामले से नामजद किया गया थी, पुलिस उस चीज की उन्होंने एक SIT बनाई है और वो हजे फिलहाल करीब 15-16 दिन बीतन के बावजूद हजे तक यह क्लीयर नहीं कर पाए कि बीजेपी नेता का ये हाथ है या नहीं। हुण पुलिस इस मामले की बीजेपी नेता के एंगल तो भी जांच कर रही है। जी अमित, बिल्कुल वाकई जी वेखना होगा कि पूरे मामले में होर की कुछ खुलासे होंगे ने। फिलहाल बेहद शुक्रिया विनय इस सारी खबर को साडे दर्शकों तक पहुंचाने लिए। वाकई जी कि वाकई जी भाजपा के किसी होर आगू के तार इस पूरे मामले नाल जुड़ते हैं, नशे के रैकेट के किसी होर भाजपा आगू की भी शमूलियत सामने आती है। इस एंगल के उपर भी दसिया जा रहा है कि पड़ताल जरूर की जाएगी। फिलहाल वड्डे रैकेट का पर्दाफाश किया गया पुलिस वालों।